हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए, और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स यूनिट में लास्ट लेक्चर है, आइए इसमें देखते हैं। द टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देन वी ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हेन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बट इफ वी कंसीडर हियर ए लूप विच इज ए बी सी डी हैविंग करंट from A to B, which is current I, and area of the loop is A is the area of loop, और इस साइड को मैं L बोलता हूँ, और ये जो साइड लेंथ है उसको मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल L एंड स्मॉल B, and the magnetic field is equal to B vector which is in this plane एंड टूवर्ड एक्स एक्सिस कह सकते हैं। तो फोर्स की यदि बात करें तो फोर्स ऑन ए बी लूप देखिए तो वह पैरेलल है, तो फोर्स होगा जीरो। ध्यान में रखिएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे हम लगा रहे हैं आई एल क्रॉस बी, ये जनरल फार्मूला है और इसी को देखते हुए सारे रिजल्ट को हम लोग लिख रहे हैं। और फोर्स ऑन बी सी इज इक्वल टू, देखिए तो पहले बी सी, तो बी सी में करंट देखिए इधर है यानी एल वेक्टर नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर है तो ऐसे कर लिया हमने, तो फोर्स देखिए बाहर निकलेगा अंगूठा, तो इसको हमने डॉट से शो कर दिया फोर्स ऑन बी सी को। एंड एफ बी सी इज इक्वल टू आई एल बी, तो देखिए अब आई और लेंथ इज बी और मैग्नेटिक फील्ड इज कैपिटल बी, तो एफ बी सी। इफ यू टॉक अबाउट द फोर्स ऑन सी डी, अगेन इट इज जीरो बिकॉज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 180 डिग्री। एंड एफ ऑन ए डी, देखिए ये करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो फोर्स इनटू द प्लेन, तो यहाँ पे हम क्रॉस में शो कर दे रहे हैं फोर्स को, और दिस इज फोर्स ऑन डी सी, सॉरी डी सी नहीं डी ए, डी ए, ओके। तो डी ए या ए डी पे जो फोर्स होगा विच इज अगेन आई एल क्रॉस बी, यहां पे बी इंटू कैपिटल बी। और नेट फोर्स की यदि बात करें, नेट फोर्स ऑन लूप ए बी सी डी ए, तो सारे फोर्सेस को यदि हम देखें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू सॉरी जीरो। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, पर अभी इस अरेंजमेंट के लिए भी देख लिया कि नेट फोर्स जीरो है। अब यदि हम ऐसे देखें इस लूप को, तो ये देखिए बी सी आर्म पे फोर्स इधर लग रहा है और सी डी ए आर्म पे ऐसे, तो यह पूरे के पूरे लूप को ऐसे इस तरीके से रोटेट करा देगा, ठीक है। तो हम देखिए हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं, लुक लाइक दिस, तो क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट कराने लगेगा इसको। तो यहां पे टॉर्क की यदि बात करें हम लोग, तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू, तो टॉर्क के लिए देखिए एक फोर्स बी सी पे है और डी ए पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स जीरो है, बट फोर्स ऑन बी सी एंड फोर्स ऑन डी ए एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन स
सो इट डेवलप टॉर्क, और जो टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू, तो देखिए टॉर्क ड्यू टू फोर्स बी सी, तो एफ बी सी, तो एफ बी सी इंटू कितना दूर है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो यह पूरी दूरी देखिए, देखिए एल दे रखा है, तो यह डिस्टेंस है एल बाई टू, एफ बी सी इंटू एल बाई टू, और एक टॉर्क ये भी डेवलप होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगा, तो फोर्स ऑन डी ए इंटू अगेन एल बाई टू। तो यहां से आप देखिए फोर्स के दोनों की वैल्यू आई बी इंटू कैपिटल बी इंटू एल बाई टू, और यही सेम टर्म दो बार है तो इंटू टू कर दिया, और टू से टू कैंसिल होगा, और यहां आया आई बी इंटू एल इंटू कैपिटल बी, और यहां से हमने लिख दिया आई बी इंटू ए, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। यदि हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ टर्न यदि एन है, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन, देन tau is equal to n times multiplied by n I b e। बट यह जो रिजल्ट है यह जनरल रिजल्ट नहीं है, जनरल रिजल्ट के लिए हमको कुछ थोड़ा सा एक अरेंजमेंट और बनाना होगा, इसको आप लोग लिखिए। देखिए जनरल रिजल्ट की यदि हम बात कर रहे थे अभी, तो ये देखिए आपकी ये मैग्नेटिक्स लाइन है, और इस मैग्नेटिक्स लाइन में इस लूप का अरेंजमेंट जो है वह एक सिमेट्रिक अभी दिख रहा था, इसको ऐसे ना देख के हम इसको ऐसे बना देते हैं लूप। देखिए अबाउट दिस एक्सिस इसको रोटेट करा दिया गया है, और ये है पॉइंट ए, और ये है बी, और ये सी, और ये डी। पहले अरेंजमेंट से इसको देखिए तो ये कुछ एंगल ये रोटेट किया हुआ है, और ठीक है ये ऐसे था, इसको ऐसे रोटेट किए हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर ए बी सी डी ए का जरा देखिए वो इधर की तरफ होगा, जो इससे इस प्लेन से 90 डिग्री बनाएगा, समझिएगा इसको, और इसके एरिया वेक्टर को हम ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, और ये देखिए इसका चूंकि ये बी वेक्टर है, तो और बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यदि मैं कहूँ थीटा है, तो यहाँ पे जो टॉर्क डिफाइन होने वाला है, अब करंट तो सेम ऑर्डर तो वही होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, पर यहाँ पे देखिए दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो नॉर्मल डिस्टेंस है वह घट जाएगा, तो यह डिस्टेंस यदि ये एंगल थीटा होता है तो ये भी एंगल आपका आगे चल के थीटा बनेगा, ये कुछ रोटेट होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये एल डिस्टेंस था, तो ये देखिए सामने वाला, तो ये तो इसको यदि मैं आर कह लूँ, तो आर इज इक्वल टू देखिए, तो आर अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा, देन आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, यानी ये हो गया। तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस जो हमारा एल आ रहा था वो एल साइन थीटा हो जाएगा, उसकी वजह से रिजल्ट में क्या चेंज आएगा वह देखिए। देखिए टॉर्क इज इक्वल टू एन आई, और यहां से बी इंटू एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, और यहां देखिए यहां से लिख दिया मैंने एन आई ए बी साइन थीटा, और यहां से इस रिजल्ट को लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एन आई, और एक देखिए नया टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं मैं पहले, देखिए आई इंटू ए
The term is magnetic moment, and NIA is the whole term is the magnetic moment MB sin theta. देखिए पहले हम M को define करते हैं, चूंकि M is called magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट एंड एम इज इक्वल टू डिफाइंड एज एम इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर. तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर लिया हमने. तो ये कंसेप्ट रहा एम के लिए, जो इसको मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. अब एम देखिए, तो यदि एरिया वेक्टर इधर है तो एम वेक्टर का भी डायरेक्शन आपका यही होगा. तो टॉर्क को यदि वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी हो गया. ठीक है, तो ये रिजल्ट आया जनरल रिजल्ट. तो टॉर्क एग्जर्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप इफ इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, वेयर एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, लिखिए जरा इसको आप. यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था अभी, और इंटरैक्शन एनर्जी ऑन करंट कैरिंग लूप. तो देखिए इंटरैक्शन एनर्जी से क्या मतलब है, इंटरैक्शन एनर्जी स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी. देखिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपैरिजन से पढ़ लेते हैं हम. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल, ये देखिए आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टॉल और डाइपोल मोमेंट इज पी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर ई वेक्टर, देन टॉर्क इज डिफाइंड एज पी क्रॉस ई, वेयर पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड यू इज द इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई. एंड सिमिलर कंसेप्ट हियर इन मैग्नेटिज्म, इन मैग्नेटिज्म इफ वी प्लेस्ड इन ए लूप विच इज बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल वेयर एम वेक्टर इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड हियर एंगल थीटा, देन टॉर्क अभी हमने डेराइव किया, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी. एक दूसरे के ये एनालॉग है एंड द पोटेंशियल एनर्जी या इंटरैक्शन एनर्जी फॉर दिस सिस्टम इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी. बी केयरफुल विद दिस रिजल्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर विद दियर एनालॉग्स, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे है अपोजिट, यानी कहने का मतलब क्या है कि कंसेप्ट अपोजिट है पर एक दूसरे एक ही जैसे है, ये सेम कंसेप्ट, इसलिए हम कह रहे हैं कि एनालॉग है एक दूसरे का. ध्यान रखिएगा जैसे इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता था कि यदि पी और ई के बीच का एंगल यदि जीरो है और एनर्जी मिनिमम है तो कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और यदि 180 पे है तो यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. सिमिलर कंसेप्ट हियर इन मैग्नेटिज्म, इफ द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अगेन जीरो, देन लूप इन दिस मैग्नेटिक फील्ड आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज एनर्जी will be minimum and torque and force both are zero. But if it is placed in 180 degree, then torque again zero, force will be zero, but potential energy will be maximized. This will not in stable equilibrium, this will be in unstable equilibrium. Okay. Moving to the next section, concept of stable and unstable equilibrium. तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है कि सारा जो फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड पे, तो फोर्स ऑन ए बी सी डी ए इज इक्वल टू जीरो, और हियर एंगल इसमें देखिए तो एरिया वेक्टर, देखिए तो करंट एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाना है आपको,
करंट के डायरेक्शन में ऐसे घूमिए और ये जो थंब आपका जो होगा वह एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, यानी क्रॉस में एरिया वेक्टर है या मैग्नेटिक मोमेंट है। तो एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 degree, सो टॉर्क अगेन विल बी 0, फोर्स एंड टॉर्क इज 0। एंड इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो माइनस एम डॉट बी यानी एम बी कॉस 0 यानी माइनस एम बी, और दिस विल बी द मिनिमम एनर्जी, सो दिस स्टैंड फॉर, ऐसे देखते ही ये कंडीशन को चेक करते ही कि एनर्जी मिनिमम है तो हम कह सकते हैं कि यह लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हमने डिटेल में आपको चार्जेस के भी केस में पढ़ाया था कि जब उसको उसके स्टेबल पोजीशन से थोड़ा ओरिएंट करते हैं या इसको डिस्प्लेस्ड करते हैं तो वह एक रीस्टोरिंग फोर्स या एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है जो उसको अगेन इस पोजीशन में लाने का को हेल्प करता है। और यहाँ पे अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये एम वेक्टर इसका डॉट में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, टॉर्क भी 0 होगा, फोर्स भी 0 होगा, बट यू इज इक्वल टू प्लस एम बी, सो दिस स्टैंड इक्विलिब्रियम तो है पर दिस वन इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बोथ आर द कंसेप्ट ऑल्सो विल बी द एनालॉग विथ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हियर द क्वेश्चन द टॉपिक है या इस टॉपिक को क्वेश्चन की तरह हमें ट्रीट करना है, वी हैव ट्रीटेड लाइक ए क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोटेटिंग चार्ज रिंग, हियर द चार्ज ऑन रिंग इज स्मॉल क्यू एंड विच इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन देयर विल बी सम एवरेज करंट फ्लो थ्रू दिस रिंग एंड देन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू N into I into A. This is the formula for the magnetic moment. Calculate this. What will be the magnetic moment for the rotating charged ring? Now, here the Q charge flow through this ring. Then time required to complete the one revolution, which is the time period T, then average current is equal to I is equal to delta Q by delta T. Okay, so delta Q is the Q amount of charge rotating with time interval T. And here T is not given, given value is the omega, omega is equal to 2 pi by T, then T is equal to 2 pi by omega and Q is equal to 2 pi by omega, which is I. And here the number of turn is equal to 1, so M is the magnetic moment is equal to 1 into I, I is the current which is Q omega upon 2 pi into area which is pi r square. Be careful this result and always remember this result. 1 by 2 Q omega r square, that is the magnetic moment of the rotating charged ring. This concept used as a trick for the question. चलिए, हाँ एक चीज और मुझे कहना था कि यदि यह रोटेटिंग चार्ज रिंग ना हो और कोई एक पॉइंट चार्ज हो और वही पॉइंट चार्ज यदि रोटेट कर रहा होगा उस केस में क्या करेंगे, तो वहां पे भी यदि कोई एक पॉइंटेड चार्ज है ऐसे समझिए और ये आर रेडियस में लेके इसको ऐसे रोटेट कराया जा रहा है और ये इसका सेंटर है और पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, समझिए कि स्ट्रिंग से ऐसे बांधा गया है और किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और उसको रोटेट कराया जा रहा है, तो सेम मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो बी फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। तो एम इज इक्वल टू 1/2 की ओमेगा आर स्क्वायर, चाहे पूरे चार्ज पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या पॉइंटेड चार्ज को रोटेट कराया जाए, बोथ ऑफ द केसेस द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी सेम। Work done to change the orientation of loop in magnetic field. This is the very important concept. U is equal to, as we studied that, M dot B. If we open, this is a minus MB cos theta. Now, if
द ओरिएंटेशन ऑफ लूप चेंजिंग फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन से यदि थीटा टू यदि चेंज करते हैं विथ मैग्नेटिक फील्ड से, ये जो एंगल चेंज हो रहा है एम और बी का, वो थीटा वन से थीटा टू में चेंज करते हैं, देन यू वन इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा वन एंड यू टू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू, देन वर्क डन रिक्वायर्ड इन दिस केस डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम बी एंड कॉस थीटा वन, नेगेटिव साइन है पहले तो इसलिए कॉस थीटा वन पहले आ जाएगा और माइनस को रिमूव कर देंगे यहां से, कॉस थीटा टू। जरा इस देखिए इस रिजल्ट को, और एम को यदि हम ओपन करें तो यहां से लिख सकते हैं आई इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एक तो आप इस रिजल्ट को ये तो ध्यान में ही रखेंगे, साथ में इस रिजल्ट को और मॉडिफाई में कर रहा हूं, और यहां से देखिए आई विच इज द करंट इन द लूप, बी ए को अंदर ले जाइए, बी ए कॉस थीटा वन माइनस बी ए कॉस थीटा टू। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ध्यान में लाइए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिमिलरली बी डॉट ए इज द मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा वन, तो दिस वन इज द इनिशियल फ्लक्स, दिस वन इज द फाइनल फ्लक्स, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू करेंट इन द लूप विच इज आई एंड द फाई वन माइनस फाई टू। दिस इज द रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई माइनस आई फाई टू माइनस फाई वन एंड माइनस आई डेल्टा फाई लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू। देखिए एक बेसिक यहीं से इस टर्म को हमने दो और तरीकों में फ्लक्स के फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहां पे फ्लक्स के बारे में मैं लिख देता हूं फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको साइड में लिख लीजिएगा। ओके राइट डाउन प्लीज, ओके मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन, फिगर शो ए हॉरिजॉन्टल क्वाइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग करंट कैपिटल आई, अनदर स्मॉल क्वाइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर कैरिंग करंट स्मॉल आई एंड नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन इज प्लेस्ड एट द सेंटर मेकिंग एन एंगल थीटा। इसका जो प्लेन है वह इसके एक्सियल से थीटा एंगल बना रखा है और यह टोटल नंबर ऑफ टर्न ये दे रखा है एन टर्न है। फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द स्मॉलर क्वाइल इन दिस सिचुएशन, तो टॉर्क इज इक्वल टू इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हमने पढ़ा एम क्रॉस बी, टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। तो स्मॉलर क्वाइल में देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो देखिए इसको इस तरीके से घुमाइए तो देखिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वह इधर इस डायरेक्शन में होगा विच इज डिनोटेड एज एम वेक्टर। पहले एम को हम लोग लिखते हैं, एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न एन इस करंट इज आई इंटू एरिया विच इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस वन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस स्मॉलर क्वाइल विच इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द दिस प्लेन ऑफ स्मॉलर क्वायल हैविंग करंट स्मॉल आई, और हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो बाई यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, इन डायरेक्शन ऑफ करंट वी प्लेस्ड योर कर्व फिंगर कर्व फोर फिंगर एंड देन स्ट्रेट थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज एम वेक्टर। ओके देन दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्मॉलर क्वायल मेकिंग एन एंगल 90 प्लस थीटा पाई बाई टू प्लस थीटा बाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बिगर क्वाइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर क्वाइल इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन टू आर। नाउ पुटिंग दिस रिजल्ट बी इज इक्वल टू एम इन टू बी एंड एंगल
साइन पाई बाय टू प्लस थीटा विच इज कॉस थीटा, तो एम बी कॉस थीटा एम इज इक्वल टू एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी, बी इज म्यू नॉट आई बाय टू आर इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टाउ. दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिगर शो ए क्वायल ऑफ एरिया ए एंड एन टर्न्स विथ ए करेंट आई इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी. फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल दिस क्वायल आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस आई डेल्टा फाई, या इसको इलाबोरेट करें और तो माइनस आई फाई टू माइनस फाई वन, या हम लिख सकते हैं आई फाई वन माइनस फाई टू. तो इनिशियली द करेंट इन द क्वायल इज आई एंड द फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया ए. बी इंटू एरिया ए, देखिए क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी एरिया ए, एरिया वेक्टर देखिए यह क्रॉस में होगा. क्यों क्रॉस में होगा? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में फोर फिंगर रखेंगे, कॉल फोर फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इनटू द प्लेन आ रहा है और बी के साथ एंगल जीरो. तो बी ए कॉस जीरो इज इक्वल टू वन माइनस, जब इसको बाहर निकाल देगा मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से, तो फ्लक्स एसोसिएटेड टू दिस क्वाइल इज इक्वल टू जीरो. देन द वर्क डन इज इक्वल टू आई बी इंटू ए एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न इज एन. तो एन से यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए एन एन एंड एन. ओके, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू. यदि इसी क्वेश्चन में यदि ऐसे होता कि इसको 180 डिग्री से यदि रोटेट करा दिया जाए, सेकंड पार्ट यदि कहें कि 180 डिग्री से इसको रोटेट करा दिया जाए, तब कितना वर्क डन होगा? तो पहले जो देखिए एरिया वेक्टर, जब इसको रोटेट कराएंगे तो करंट का डायरेक्शन अभी आपको क्लॉकवाइज दिख रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज होगा. रोटेट करके जस्ट इमेजिन करिए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा. तो उस केस में वर्क डन बराबर एन आई एंड फाई वन माइनस फाई टू. तो देखिए बी ए और माइनस बी ए, तो माइनस और देखिए जब वहां पे 180 हो जाएगा तो माइनस बी ए कॉस थीटा हो जाएगा. तो माइनस माइनस और माइनस अगेन दिस विल बी बिकम प्लस. ओके, तो यह हो जाएगा 2n i b a, क्योंकि अब जो होगा फाइनल फ्लक्स वो जीरो नहीं होगा, वह माइनस बी ए होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और विच इज इक्वल टू w. इसी में कह देगा 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, 45 से रोटेट कर दिया, 60 डिग्री से रोटेट किया. तो दिस फॉर्मूला यू विल बी यूजफुल टू कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए स्क्वायर क्वायल ऑफ एज लेंथ एल कैरिंग करंट आई टू इज प्लेस्ड इन दिस क्वायल, द करंट इज आई टू एंड दिस करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट आई वन. वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस क्वाइल ए बी सी डी अबाउट द एक्सिस अलोंग द एज बी सी बाय 180 डिग्री बाय द डॉटेड पोजिशन. देखिए यदि इसको 180 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, मैग्नेटिक लाइन पास करेगी, उस समय फ्लक्स कुछ और होगा, रोटेट कर देगा तो फ्लक्स चेंज होगा. ये फ्लक्स में चेंज आएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है वह अलग अलग दूरी पे म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देता है. तो फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना. और ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सेम क्वेश्चन है. तो देखिए जरा कैसे हम अप्रोच बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस के बाद एलिमेंट लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काम किया था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में. या एलिमेंट एक्स डिस्टेंस के बाद जो इसका थिकनेस होगा विच इज डी एक्स, और इसका यदि एरिया लिखे विच इज डी ए इज इक्वल टू, या लेंथ देखिए आपका है
यह एल दे रखा है और यह दे रखा है स्मॉल बी, तो यह हो गया बी इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चूंकि हम फ्लक्स डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, फ्लक्स बराबर बी डॉट ए, पर बी डॉट ए डायरेक्ट तब लिखते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड पूरे इस एरिया के क्रॉस सेम होता है, वो चेंज ना होना चाहिए। तो यदि ऐसा है, यदि चेंज हो रहा है, तो हम एलिमेंटल फ्लक्स से अप्रोच बनाएंगे बी डॉट डी ए, हम एलिमेंटल एरिया में फ्लक्स देखेंगे, और एलिमेंटल एरिया इज बी डी एक्स एंड इंटू बी इंटू डी फाई। और देखिए करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके हर एक एरिया वेक्टर इंटू द प्लेन होगा, तो यह क्रॉस में हमने बना दिया। तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, क्योंकि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह देखिए कितना होगा। पहले राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और वहां पे ऐसे इशारा लगाया, पुश किया, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इस पूरे रीजन में ही इनटू द प्लेन होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। और बी की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगी? तो कहेंगे म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एंड डिस्टेंस इज एक्स। आइए देखते हैं बी की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो यहां पर रखा हमने बी की वैल्यू म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एक्स, दिस इज इक्वल टू डी फाई वन इनिशियल फ्लक्स, एंड फ्रॉम व्हाट वैल्यू द एक्स विल बी एक्सटेंडेड। तो ये देखिए इसकी लिमिट क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू यदि हम आर रखेंगे तो ये इस एंड पे आएगा, और आर प्लस बी रखेंगे तो दूसरे एंड तक आ जाएगा। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम आर टू आर प्लस बी, और दैट विल बी द रिजल्ट फॉर फाई वन। जरा आप देखें, फाई वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन बी अपॉन टू पाई, एंड लिमिट को देखें तो एल एन एक्स हो जाएगा, और लिमिट को पुट करेंगे तो एल एन आर प्लस बी, नेट वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे थोड़ा, आर प्लस बी अपॉन आर, लॉग ए माइनस लॉग बी आएगा, तो लॉग ए बाई बी। सिमिलरली यदि मैं फाई टू लिखना चाहूं, तो थोड़ा सा आप केयरफुल होकर यदि आप लिखें फाई टू, तो एक ही बार में लिख सकते हैं, क्योंकि अब एलिमेंट यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेज आएंगे, एरिया एलिमेंट वही होगा, बस चेंज क्या होगा कि जैसे आप इसको चेंज करेंगे तो ये पॉइंट देखिए ए डैश बी डैश से दिखाया गया है, तो करंट तो ऐसे ही है, पर जब इसको पलट देंगे 180 से तो करंट का डायरेक्शन आप देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर अब डॉट में हो जाएगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह क्रॉस में ही है ड्यू टू दिस वायर। इसकी वजह से यहां पे जो कॉस जीरो बराबर वन कंसिडर कर रहे थे, यहां पे कॉस 180 हो जाएगा, जहां पे माइनस वन आ जाएगा, बस यही एक चेंज होगा, बाकी लिमिट का चेंज होगा। देखिए लिमिट कहां से कहां तक दौड़ेगा, एक्स की वैल्यू आर प्लस बी से आर प्लस टू बी तक चेंज होगी। डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूं, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, म्यू नॉट आई वन बी अपॉन टू पाई एल एन आर प्लस टू बी अपॉन आर प्लस बी। ये देखिए ये हो गया फाई वन फाई टू, और हमें एक नेगेटिव साइन भी लगाना होगा, तो फाई टू इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों लगाएंगे अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं वर्क डन के लिए, देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू आई फाई वन माइनस फाई टू, ओके, तो आई इज द करंट इन द लूप विच इज इक्वल टू आई टू, फाई वन I1 माइनस फाई टू, इन दोनों में कुछ टर्म कॉमन है उसको हम ऑलरेडी पहले बाहर कर लेते हैं, तो म्यू नॉट I1 B अपॉन टू पाई। अब देखिए फाई वन माइनस फाई टू, तो दिस वैल्यू लॉग आर प्लस बी अपॉन आर माइनस लॉग आर प्लस टू बी अपॉन आर प्लस बी। यदि यदि हम घटाएं तो देखिए एक तो माइनस माइनस आपका ये देखिए ऑलरेडी फाइव वन माइनस फाइव टू, तो यहां पे नेगेटिव आया तो ये माइनस आपका बन जाएगा प्लस, तो एल एन आर प्लस बी अपॉन आर प्लस दिस, तो लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी करेंगे देखिए ए वैल्यू बराबर ये वैल्यू, बी बराबर ये वैल्यू, आर प्लस बी कैंसिल हो जाएगा,
then final result will be r plus 2b upon r, or this is the work done for this chain. This will be your answer. Okay. हाँ, एक बार और मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कंसेप्ट का क्या है, थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. इसके थ्रू पहले हम ए बी सी डी ए में फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ा डी फाई से, इसलिए क्योंकि पूरे एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स सेम नहीं है, तो हर एक एलिमेंटल एरिया में निकाल लें. और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको डी फाई डी फाई डी फाई हर एक डी ए डी ए डी ए के लिए जोड़ दिया हमने. बस ध्यान रखेंगे डायरेक्शन का, वो हमने इधर निकाला. फिर उसके बाद इसको जब चेंज कर दिया तो देखा हमने एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, हम लोग निकालते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 बनाने लगे, तो सेम वही कंसेप्ट, लिमिट चेंज होगा और माइनस साइन आएगा, तो लिमिट चेंज किया आर प्लस टू, आर प्लस बी से आर प्लस टू बी तक, एंड यहाँ पे माइनस लगाया और फार्मूला का यूज किया, वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू आई फाइव वन माइनस फाइव टू, और आंसर आपके सामने है. ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप सोन इन फिगर. ये देखिए एक्स वाई जेड, बहुत ही आसान टर्म होता है. यदि देखिए, यदि कोई भी ऐसा लूप हो, यदि ऐसा लूप हो या किसी भी टाइप का लूप हो, यदि एक ही प्लेन में यदि कंप्लीट होता है, तब तो इसमें हमें एम इज इक्वल टू आई इंटू एरिया वैक्टर लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एरिया वैक्टर भाई चाहे आउट ऑफ द प्लेन होगा या इन टू द प्लेन होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है. ठीक है, चाहे किसी भी ज्योमेट्रिक का हो, ठीक है ना. पर यदि इस प्लेन में है तो आउट ऑफ द प्लेन या इन टू द प्लेन, एम इन टू आई, इसमें करंट आई दिया होगा, वह आसानी से हम लोग कर लेंगे. पर यहां पे देखिए जो लूपिंग हो रही है, वह लूप एक प्लेन में ना कंप्लीट होकर, देखिए यह ऐसे है लूप, लूप को मैं दोबारा बना देता हूं. देखिए ये देखिए ऐसे करंट को ऐसे दिखा रखा है इसने, तो यह थ्री डायमेंशन एरिया कवर करते हुए थ्री डायमेंशनल लूप है, यानी एक ही प्लेन में यह लूप नहीं बना हुआ है, तीनों ही एक्सिस को कवर किया है. तो कैसे करेंगे हम, जरा देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा एक इमेजिनेशन आपको ऐसे बनाना होगा कि हमने तो जो डिफाइन किया है वह एरिया और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक ही प्लेन के साथ होना चाहिए. तो आप देखिए ऐसे एक ये जो देखिए रेड लाइन से मैं खींच रहा हूँ, मान लिया कि ये जो लूप है एक्स वाई प्लेन में, इसको इसी में कंप्लीट कीजिए, ये ऐसे और इसको ऐसे. अब आप देखिए और इसको देखिए और वाई जेड में इसको कंप्लीट करता हूँ. देखिए ये ऐसे, ये ऐसे. सिमिलरली जो एक्स जेड में है, इसको इधर से इसको ऐसे लेके आए और फिर ऐसे लेके चले आए. ये देखिए सारे के सारे लूप उसी प्लेन में कंप्लीट हो गए और ऐसे डायरेक्शन में दिया. ये देखिए एरो जो रेड लाइन से देखिए दिए हैं, दो अपोजिट लाइनें बनी हैं. देखिए एक में करंट इधर, एक में ऊपर, एक देखिए इधर, एक ऐसे, एक ये कैंसिल हो जाएगा और मैं नेट इफेक्ट नहीं दिखाई देगा. नेट इफेक्ट दिखाएगा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. तो मैग्नेटिक मोमेंट एम वैक्टर देखिए मैं लिखने जा रहा हूं अब पहले लूप के लिए जो एक्स वाई प्लेन में है. तो आई तो सबके लिए कॉमन है, आई हमने बाहर कर दिया. और देखिए आई इंटू एरिया, एरिया इज साइड लेंथ इज ए, आई ए स्क्वायर और देखिए इंटू के कैप, ध्यान दीजिएगा. प्लस अब वाई जेड प्लेन में है, देखिए वाई से जेड की तरफ आप आइए ऐसे. करंट तो अब ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऐसे नहीं करिएगा आप, नहीं तो ये तो कुछ और डायरेक्शन देने लगेगा. जो रियल डायरेक्शन ऐसे आइएगा, ऐसे है तो आप ऐसे मूव कीजिए. तो देखिए करंट का डायरेक्शन, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में आया, विच इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई फोर एंड आई कैप प्लस. और ये देखिए जेड एक्स प्लेन में है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे घुमाइए जेड एक्स प्लेन में, जेड से एक्स की तरफ जाइए. तो यह जे कैप में आया, तो एरिया जरा लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर बाई टू इंटू जे कैप. तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस लूप का, देखिए तीनों एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज द लूप इज नॉट कंप्लीटेड इन द वन प्लेन. ओके,
ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन था, ऐसा आ चुका था इसलिए मैंने आपको बताया। द इंपॉर्टेंट टर्म इज हियर द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोटेटिंग चार्ज बॉडी एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हमने पढ़ा कि एक रोटेटिंग चार्ज्ड रिंग है और इस पे चार्ज क्यू है और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो एम इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा। अब देखिए, यदि इसका मास यदि मैं स्मॉल m रख दूं और रेडियस यदि ये r, ये तो मान लीजिए गिवन था स्टार्टिंग में भी, तो एंगुलर मोमेंटम मैकेनिक्स का कांसेप्ट याद कर दिए, l इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा, तो i इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू एल। तो यहां पर रेशियो की बात कर रहा है, एम बाई एल रेशियो। ये देखिए, ये ऐसा क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि एक यह प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जो हर एक बॉडी के लिए सेम आता है, चाहे रोटेटिंग चार्ज रिंग हो, चाहे रोटेटिंग स्पीयर हो, चाहे रोटेटिंग डिस्क हो, चाहे रोटेटिंग लेमिना हो, यदि वह चार्ज लेमिना यदि रोटेट कर रहा है तो सबके साथ ये रेशियो जो बनेगा एम बाई एल रेशियो वह सबके लिए सेम आने वाला है। देखिए एम बाई एल इज इक्वल टू क्या होगा, तो एम इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा गेट कैंसिल आउट, आर स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, देन द वैल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आर विच इज एम बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम विच इज कॉन्स्टेंट, यह याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो m by l रेशियो इज इक्वल टू q by 2m, यानी यह डिस्क होता तब भी सही होता, इसका रेशियो निकालते फिर वही आता। मैंने कहा स्फीयर होता, चार्ज स्फीयर होता तब भी वही आता, सिलेंडर होता तब भी वही आता, लेमिना होता तब भी वही आता, हर एक बॉडी के लिए q by 2m आता। q इज द चार्ज ऑन बॉडी, m इज द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, लिखिए इसको। ओके, द क्वेश्चन इज द ए फ्लैट डिस्क ऑफ रेडियस आर, चलिए ए फ्लैट डिस्क ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। द क्वेश्चन इज अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज इज रोटेटेड विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट एम, आपको बताना व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस, कैलकुलेट कीजिए जरा। तो ओके, चूंकि हम आर इज इक्वल टू एम बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम, ये हम जानते हैं। यहां स्मॉल एम और कैपिटल एम से कंफ्यूज मत करिएगा, कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल एम इज द मास। Then m is equal to q by 2m into l। जरा देखिए q कितना लिखे हैं, तो सिग्मा यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो q is equal to सिग्मा into pi r square, r is the radius, हाँ r is the radius दिया हुआ है, into l, l is the magnetic moment, i into omega, i देखिए मैं लिख रहा हूँ m r square by 2 इंटू ओमेगा होल डिवाइड बाई 2m, m गेट कैंसिल आउट एंड फाइनल रिजल्ट फॉर द m इज इक्वल टू पाई सिग्मा r टू द पावर 4 इंटू ओमेगा बाई 2 इंटू 2 4, दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोटेटिंग चार्ज्ड डिस्क। हाँ, एक एनालिटिकल मेथड आपको बता देते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक आप रिंग ऐसे बनाइए और वह एक्स रेडियस पे एक डीएक्स थिकनेस लीजिए, इस पे जो चार्ज आएगा वह चार्ज होगा डी क्यू, डी क्यू की वजह से आप एक रोटेटिंग रिंग की वजह से आप मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाले हैं, जहाँ पे क्यू के जगह डी क्यू की वैल्यू पुट कीजिएगा और इंटीग्रेट की दीजिएगा फ्रॉम जीरो टू आर, देखिए सेम वही वैल्यू आ जाएगी, कीजिएगा इसको। अल्टरनेटिंग मेथड में वही उसी के बारे में बात कर रहा था।
ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ चार्ज कैपिटल क्यू इज रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। देखिए एक रोट एक स्फीयर है और उस पर चार्ज देखिए क्यू और रेडियस दिया है आर और एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। सेम यही कंसेप्ट है, कैसे निकालेंगे आप? तो आर इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम इज इक्वल टू एम बाई एल, देन एम इज इक्वल टू एल इंटू क्यू बाई टू एम, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा इंटू क्यू बाई टू एम। दिस I इज इक्वल टू स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू क्यू इज द कैपिटल क्यू बाई 2m, m गेट कैंसिल आउट एंड द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू 2q ओमेगा आर स्क्वायर बाई, अच्छा 2 कैंसिल हो जाएगा एंड Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 5। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रोटेटिंग चार्ज्ड स्फीयर। ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स इस चैप्टर में पढ़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।